तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। ये स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी पंचशील है और हमारे इस विद्यालय में कम से कम अभी आज तक की जो स्थिति है वो 266 बॉयज़ और गर्ल्स हैं इसमें और अध्ययनरत हैं वो। लेकिन हमारे स्कूल में थोड़ा सा अभी हम सबसे अपील करते हैं और वैसे भी हम जन सहयोग के द्वारा इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो कम से कम अभी 80% हुआ है छत का। लेकिन अभी इसमें हर कमरे की जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। कंप्यूटर से लेके, ऑफिस से लेके, बच्चों के क्लास से लेके, जगह जगह से इतना है कि बस बचते बचते हम सेफ जगह बैठते हैं लेकिन फिर भी चूना काफ़ी गिर जाता है। तो इसकी इतनी जर्जर अवस्था होते हुए हमने अपने विभाग को भी अवगत कराया, विभाग भी हमारे लिए अध्ययन, विभाग भी हमारे लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन विभाग ने हमको ये भी कहा है कि आप भामाशाहों के द्वारा भी मेहनत करिए, प्रयास करिए। तो हम इसी दिन प्रतिदिन इसी प्रयास में रहते हैं कि हम आगे अपने जन सहयोग द्वारा इस स्कूल का अवस्था को सुधारें। अभी हम पार्षद साहब से और यहाँ के जो भी महानुभाव हैं, जो भी भामाशाह हैं, उनके द्वारा एक यहाँ पर शाला विकास समिति एक कमेटी बनाई गई है जो सबसे सहयोग के लिए प्रार्थी है। जो अब आज मैं भी अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगी इस स्कूल की कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका हूँ कि हम जो भी अपने अजमेर शहर में महानुभाव, जो भी भामाशाह हैं और जो भी बच्चों के हित में थोड़ा सा हम सबका सहयोग करें और मैं आप सबका आभार प्रकट करूँ। बच्चे पढ़ते हैं मैडम? बच्चे तो यहाँ पर गरीब तबके के ही आते हैं, जैसे BPL है, गणेश गुआड़ी, कैरियों की ढाणी और नज़दीक ये कच्ची बस्ती रामदेव, यहाँ के बच्चे आते हैं। और बच्चों की स्थिति तो सरकार को भी ये सब मालूम है कि ये बच्चे खुद कॉम्बो राशन जो वितरित होता है उसके आधार पर ये लोग तत्पर रहते हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। आप यहाँ पर रहते हो मैडम, किस तरह का डर रहता है आपको? अब डर तो ये है कि हम सेफ जगह बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं थोड़ा चूना तो गिरता ही है यहाँ पर, और कमरों की स्थिति बहुत नाजुक है क्योंकि अब छत का तो धीरे धीरे निर्माण कार्य है। हाँ, सब गडल दिख रही है अंदर से और छत का काम अभी थोड़ा बहुत जो भी सहयोग हुआ है उससे छत बन रही है, लेकिन अभी कमरों की स्थिति भी बहुत है। तो आगे हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल में थोड़ा सा सहयोग करें क्योंकि आर्थिक सहयोग से ही ये काम संभव है। आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम कमला मिश्रा और मैं यहाँ की कार्यवाहक प्रधान अध्यापिका। कहाँ तक ये स्कूल है? ये स्कूल पहली से आठवीं तक चल रहा है और जिसमें पहली से पाँचवीं तक जो हैं वो छात्र भी हैं और छठी से लेकर आठवीं तक ये स्कूल में छात्राएं हैं। लेकिन पहली से आठवीं तक जो छात्राएं हैं, हम चाहते हैं कि ये स्कूल पहली से आठवीं तक बॉयज़ का भी रहे। इसके लिए हम विभाग को भी एक बार बोल चुके हैं और प्रयास रहते हैं कि ये भी आगे बढ़े ताकि मोहल्ले के बच्चों को और ये, क्योंकि आसपास नज़दीक कोई भी ऐसा गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल नहीं है। मेन बात गर्ल्स तो फिर भी आते रहे लेकिन बॉयज़ के लिए आसपास ऐसा स्कूल नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत आते हैं कि मैडम यहाँ पे हमारे छठी भी होनी चाहिए आगे के लिए वो कहते हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। ये राजकीय विद्यालय हमारे पंचशील स्थित वार्ड क्षेत्र के अंदर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 5 के अंदर स्थित है और जैसा कि आपने भी देखा होगा स्कूल की स्थिति बड़ी दयनीय है। मेरे ख्याल से स्कूल बनने के बाद से आज तक इसमें मेंटेनेंस का काम कुछ भी नहीं हुआ और जो कार्य हुआ है जब बनी थी स्कूल तो इसका स्तर जो था क्वालिटी का बहुत ही ख़राब रहा होगा। एक प्रकार से मिट्टी के अंदर ही चुनाव हुई है स्कूल की। और बरसात में जब हमने यहाँ पर राशन वितरण का कार्यक्रम रखा था तब देखने में आया कि यहाँ पर जगह जगह से छत पर से झंडे की तरह पानी नीचे बहता है और अब ये लेवड़े नीचे गिरते हैं जिससे कि अगर शाला चल रही हो और किसी बच्चे के सर पे या किसी स्टाफ के सर पे या किसी आगंतुक के सर पे अगर वो पत्थर वो सीमेंट का प्लास्टर गिरता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक गंभीर बीमारी, गंभीर चोट, सर की चोट उसको हो सकती है, कोई जनहानि भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा है इसके अंदर। किस तरीके से प्रयास कर रहा है सुधार के लिए? जब से हमारे संग ये नज़र में आया, मैडम ने, हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है यहाँ पर HM मैडम जो है, उन्होंने हमारे को स्टाफ से सबने निवेदन करा और हमने फिर एक यहाँ पर एक यहाँ की एक लोकल विकास समिति हमने बनाई, शाला विकास समिति, और उस विकास समिति और प्लस स्कूल के स्टाफ ने वहाँ से एजुकेशन विभाग से परमिशन ली काम कराने की कि इसमें निर्माण है। तो हम लोगों ने विकास समिति के द्वारा विभिन्न भाभाषाओं के सहयोग से करीब करीब हमने 3 लाख रुपए का काम हमने यहाँ पर अभी तक करा दिया है, जिसमें अभी प्रथम चरण के अंदर हमने छत पे जो बिल्कुल स्थिति खराब थी, पानी जहाँ से नीचे बैठता था
उसको छत के प्लास्टर जो प्लास्टर था उसको हल्का हटवा करके वहाँ पर टाइल्स लगवा के सीमेंट की टाइल्स लगवा करके दीवारों की चारों तरफ उसका मुंह बंद करवा करके कोपिंग कहते हैं उसको वो करवा करके अभी प्रथम चरण में वो काम हुआ है 90% काम हुआ है 10% काम अभी भी उसके अंदर से बाकी है। आगे जो बरामदा है उसकी छत का काम अभी बाकी है। लगभग कितना खर्चा है पूरी स्कूल में? सरकारी विभाग का जो इनका एजुकेशन विभाग का जो इंजीनियर है वो खुद ही आया था और उसने करीब 17.5 लाख रुपए का बजट यहाँ पे बना के दिया है जिसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर आवश्यकता है। इस तरह की हालात है वैसे पूरी स्कूल के? इस हालात बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा दयनीय है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ये ऐसी स्थिति स्कूल की चलती रही तो हो सकता है 2-4 साल के अंदर ये स्कूल पूरी ध्वस्त हो जाए। बड़ा असर हो सकता है निश्चित रूप से। जैसे मैंने आपको बताया छत पे से लेवड़े गिरते हैं बड़े बड़े प्लास्टर के और वो अगर वो किसी के सर पे गिर गया तो उसको निश्चित रूप से सर की कोई गंभीर चोट आएगी या किसी का हाथ पांव टूटेगा, कोई जनहानि होने का अंदेशा पूरा है इसके अंदर। इस तरीके से आप छात्रों क्या हुए इसको? मैं विभिन्न शहर के भामाशाहों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आए यहाँ पर स्कूल में वास्तु स्थिति देखें, हमने एक कमेटी बना रखी है उससे मिले और यहाँ पर अपने परोपकार का जो एक कर्म होता है उसके अंदर सहभागी बने यहाँ पर और स्कूल की मरम्मत में सहयोग करें। यहाँ पर सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल है। कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ तक है? करीब करीब 600 बच्चे करीब यहाँ पर 286 बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हैं अभी, जिसमें छठी क्लास तक जो है बॉयज़ भी हैं, पाँचवीं तक बॉयज़ हैं, उसके बाद में आठवीं तक ये गर्ल्स स्कूल है। ये शिक्षा विभाग से ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसको स्कूल को कमनोद भी करा जाए, जो आठवीं क्लास तक इसको बॉयज़ और गर्ल्स का को करा जाए।